आपके लिए कोई जगह नहीं है। निकल जाइए यहाँ से। बहू मुझे घर से मत निकालो, इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगा? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे कहीं भी जाइए, मुझे उससे क्या, मैं अब आपका बोझ नहीं उठा सकती। मैंने कह दिया ना, निकल जाइए इस घर से। कम से कम ऑफिस से मेरे बेटे को तो आ जाने दो, उसे तो कुछ पता भी नहीं। आप उनकी फिक्र मत कीजिए, मैंने उन्हें सब बता दिया है। अब निकलो यहाँ से। आप ठीक हो पापा? ये क्या कर रहे हो आप भाभी? पापा को ऐसे धक्का क्यों मार रहे हो? अगर इतनी फिक्र है ना अपने बाप की, तो इन्हें भी लेके जाओ अपने साथ। मैं साथ ही लेकर जा रही हूँ इन्हें, वो पापा है मेरे। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई ऐसी बात करते हुए? हाँ लेकर जाओ। चलो पापा, आज से आप यहाँ नहीं रहोगे। चलो। पापा आप वहां इतने परेशान थे तो आपने बताया क्यों नहीं? आपकी बेटी है अभी आपका ख्याल रखने के लिए। हाँ अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमेशा हमारे साथ रहिएगा। पापा प्रिया बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम भी आपके अपने ही हैं, आप यहाँ पर आराम से रहिए। भला हो आप दोनों का, अब तो बस आपका ही सहारा है। कैसी बात कर रहे हो पापा, हम दोनों हैं ना आपका ख्याल रखने के लिए, आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। चलिए अब आप अंदर चलिए और आराम करिए। प्रिया, प्रिया, ओ, पापा ने खाना खा लिया? हाँ पापा ने तो खाना खा लिया, वो बस आराम कर रहे हैं, उनको एक कंबल देने जा रही थी। अच्छा भैया का फोन आया, वो कब ले जा रहे हैं पापा को? नहीं अभी नहीं आया उनका कॉल, मैं बिल्कुल उनको भैया के पास नहीं भेजूंगी, उन्होंने बहुत ज्यादा बेइज्जती करी है पापा की, मेरे होते हुए पापा को उनकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अपना घर तो अपना ही होता है ना। क्यों, बेटी का घर बाप का घर नहीं हो सकता है क्या? तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। मैं क्या नहीं समझ रही हूँ, समझाइए ना। भैया देखो पापा यहाँ कुछ दिन रह भी लें, लेकिन एट द एंड तो उन्हें अपने घर जाना ही होगा ना। क्यों जाना होगा, ये कहाँ का उसूल है? देखो प्रिया ऐसे ही होता है बरसों से, बाप बेटी घर नहीं रह सकता, परंपरा तो यही कहती है। किन परंपराओं की बात कर रहे हैं आप? जब माँ बाप अपनी बेटी का सहारा बन सकते हैं, तो क्या एक बेटी माँ बाप का सहारा नहीं बन सकती है? मैं नहीं मानती हूँ ऐसी दख्यानुसी सोच को। देखो यार प्रिया मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, उस दिनों में पापा का रहने का ठिकाना कहीं और देख। मैंने कह दिया है ना पापा कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे वो, मैं उनकी बेटी हूँ, उनका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। और वैसे तुम भूल रहे हो, तुम्हारे बड़े भैया के यहाँ भी सेम हालात है, मामा वो कभी भी यहाँ आ सकते हैं। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि माँ बाबा को यहाँ ले आओ, आज बात मेरे घर की है कल आपके घर की भी हो सकती है। अगर आप मेरे परिवार को अपना नहीं समझोगे तो शायद मैं भी आपके परिवार को अपना ना समझ पाऊँ। अगर मैं बहू की जगह बेटी बनकर सोच सकती हूँ और ससुराल के सारे फर्ज निभा सकती हूँ, तो आप भी दामाद की जगह बेटा बनकर सोच सकते हैं।